आप देख रहे हैं अमेज नाउ। देश का राष्ट्रपति कौन, संत कबीर नगर भाजपा के जिला अध्यक्ष को नहीं मालूम। भारतवर्ष का कोई भी नागरिक जो थोड़ी भी राजनीति में रुचि रखता होगा और अगर थोड़ा भी सामाजिक रूप से संवेदनशील होगा तो उसे पूरी तरह से मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया है देश का राष्ट्रपति। ये किसने गलत बयानी की है ये भी हम आपको बताते हैं। शहर के एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संत कबीर नगर भाजपा जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया देश का राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम में नहीं दिखता फर्क। वो कैसे संभालेंगे जनपद के कार्यकर्ताओं की परेशानियां, कैसे करेंगे अपने राजनीतिक विरोधियों का सामना और कैसे होगा जनपद का विकास, अब तो ये भी एक सवाल खड़ा हो गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव के इस बयान पर पूरे जिले में हो रही है किरकिरी। शहर कोतवाली क्षेत्र के होटल शिवाय में पार्टी ज्वाइनिंग के दौरान भरे मंच से उन्होंने बोला प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति। अपने नेता यानी भाजपा जिला अध्यक्ष की भरे मंच से इस तरह की गलत बयानी सुनकर कार्यकर्ताओं के होश उड़े और उनके सर शर्म से झुक गए। देश के राष्ट्रपति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है इन्हीं शब्दों के साथ। देश के राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है, ये सभी जानते हैं, लेकिन संत कबीर नगर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रधानमंत्री को ही राष्ट्रपति बता देते हैं। खुद इनकी बयानी सुनिए, इन्होंने क्या कहा। देश के राष्ट्रपति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है इन्हीं शब्दों के साथ। जब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं दिखता है तो ये पार्टी कैसे चलाएंगे, सोचने वाली बात है। संत कबीर नगर जिले से अमेज नाव के लिए शैलेंद्र मणि त्रिपाठी,